पूरा दिन तू काउच पे पड़ा रहता है यार। अब तो मरे हुए चूहे की भी बात आने लग गई है तुझमें से। प्लीज मेरे भाई ना ले। देख मैं चला तो जाऊं फिर मत बोलना कि भाई 2 घंटे से अंदर बैठा है। यार तुझे वहां नहाने बोला था, बसने नहीं। अरे ब्रो चूहे की बास निकालने में टाइम लगता है ब्रो। और 2 घंटे रुक जा यार। ब्रो तुझे मिठाई का पता ना तो मैं पता है बताओ। और ब्रो भाई लोग कैसे हो? अबे साले तेरे तो मजे हो रहे होंगे घर पे। अच्छा सुन आते वक्त ना वो मिठाई का, तेरे को पता है ये कैसे लोग हैं? मतलब जिस टाइम पे पहले मैं सोता था ना उस टाइम पे ये लोग मुझे उठा देते हैं यार। मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। हाँ लेकिन वो मिठाई का कभी मैं झाड़ू मार रहा हूँ, कभी मैं पोछा मार रहा हूँ, कभी मैं मोटर छिल रहा हूँ मैं। तेरे को पता जितना मेहनत है ना वो अपने माल क्रश करने में नहीं लगता ना, उतना मेहनत तो ये मटर छिलने में जाता है यार। हाँ, वो उछलने से याद आया प्लीज वो आचार का अगर बोलते मुझे के टाइम पे सोया कर, टाइम पे उठा कर, योगा कर, और प्रिवेसी प्रिवेसी नाम का तो कोई चीज ही नहीं है, कुछ नहीं होता भाई। ये लोग बोलते हैं बचपन से लोग ने मुझे नंगा दिखा ना तो मतलब सब चलते है सब ओके है, इसमें क्या होगा घर वाले तो ऐसा करते। विराज बेटा बस एक मिनट एक दो प्लीज मुझे घर बुला ले प्लीज। अरे ओ अरे मेरे भाई अभी सुन थोड़ा चखना कुछ नाश्ता। अरे ब्रो आज खाना बाहर से ऑर्डर मत करना, मैं बनाऊंगा। पक्का? कब तक ये ब्रेड बटर खाता रहेगा? मैं तो खाना खाते ना ब्रो। अरे मेरे भाई अब तो 12 बज गए यार, अब तो खिला दे भाई। मेरे मैं आपको 2 घंटे से रुका हूं, सीटी बज ही नहीं रही है ब्रो, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मैं लेकिन तूने चावल में पानी तो डाला था ना? पागल है क्या, चावल में पानी कौन डालता है? भाइयों तुम लोगों को पता है सिंक में प्लेट रखने से पहले ना सारा खाना डस्टबिन में साफ करना होता है, नहीं तो सारा खाना ना सिंक के पाइप में अटक जाता है। अपने घर पे इसीलिए तो सारा वो सिंक चोक होता रहता है हर बार। कितना इजी था ये सब। और सुनो सुसु करने से पहले ना सीट को ऊपर करने का, ऐसे उसमें सुसु करने का और फिर उसके बाद लश दबाने का। अबे सारा कचरा इसके अंदर लेने का और फिर ये गार्बेज बैग में डाल देने का, फिर इसको ऐसा गार्ड बांध के ना ये सारा डस्टबिन के अंदर डाल देने का। ए चल चल कुछ भी यार ऐसा कौन करता है? फिर वो बेड के नीचे जगह होती है वो किसके लिए होती है? अबे यार मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ यहाँ पे? 2 दिनों से इन कपड़ों को सुखाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से भीग गए। कोई नहीं ब्रो गीले ही पहन ले, नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई डाक का नया सीजन देखे? सीजन 1 समझ में आया था? ओ भाई इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है, पे कर दे। पागल है क्या, हर महीने थोड़ी ना भरेंगे, इस बार कुछ नया करते हैं। ब्रो पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम अपनी दारू खुद बनाएंगे। हाँ और फिर ना सीधा हमारी लिकर इंडस्ट्री खोल देंगे और फिर हम चपना कॉम्प्लीमेंट्री बेचेंगे। हाँ और फिर पैसा और दारू दोनों की कमी नहीं होगी। नाइस पिंडा ब्रो तू आ जा आ जा आ जा।